हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम मोडरी मिजी कुसुम में आपका स्वागत है बहुत बहुत। और आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा। और मैंने राजमा बनाने के लिए 500 ग्राम राजमा लिया है, तो इसको मैंने अच्छे से धोकर भिगो कर रख दिया है 6-7 घंटे के लिए। और ये उबाल भी लिया है हमने, तो हमारा राजमा जो है मैंने उबाल लिया है और ये गल चुका है अच्छे से, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये गल चुका है। अगर आपका राजमा नहीं गल रहा है तो आप उसमें खाने वाला सोडा डाल दें और तभी उसको उबालें नमक डालकर। तो मैंने कढ़ाई को रख दिया था गर्म होने के लिए, और इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें इसमें, सरसों के तेल से बहुत अच्छा राजमा बनेगा हमारा। और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सभी जानकारी मिल जाए कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो मैंने आधा चम्मच इसमें जीरा डाल दिया है और आधा चम्मच डाल दिया है इसमें अजवाइन, क्योंकि अजवाइन जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा हींग, हींग से भी डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता राजमे में, तो आप ज़रूर डालें। और इसी के साथ डाल रही हूँ कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी से भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा हमारे राजमे में, तो आप इस सभी चीज़ों को ज़रूर डालें। तो इसमें डाल दिया मैंने 4-5 हरी मिर्च, और ये थोड़ी बारीक भी काट लिया है, कुछ बीच में से कट करके डाल दी हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा ऐसे। तो गैस का फ्लेम कम कर लेंगे और अभी हमारा जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है और 10 से 12 कलियां लहसुन की ली थी, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, छोटे वाला कद्दूकस जो होता है उसी से। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज, हमारी 2 प्याज थी मीडियम साइज की, तो इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और टमाटर भी डाल दिया है मैंने इसमें, 3-4 टमाटर थे हमारे मीडियम साइज के, तो बारीक कट कर। और आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच से ज़्यादा लाल कुटी मिर्च, और 1 चम्मच इसमें डाल दिया है नमक, और कुछ नमक हमने पहले भी डाल दिया था इसमें उबालते टाइम राजमे में। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे हम। तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं ताकि ये इसकी सहायता से अच्छे से गल जाएगा। तो इसको अभी ढककर रख देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। तो मैंने ढक के रख दिया था इसको, और इसी के साथ डाल रहे हैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और ये हमारी 1 चम्मच से ज़्यादा मलाई, ताज़ा दूध की मलाई है ये। इसे डालकर देखिए आप, हमारे राजमा बहुत अच्छा सा बनेगा। तो जो हमारे राजमा उबला हुआ, तो थोड़ा सा मैं इसको क्रश भी कर रही हूँ, इससे क्या होता है कि राजमे में अच्छे से गाढ़ापन आ जाएगा और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इसको राजमे को डाल दिया था जो हमारी मैं ग्रेवी बना रही थी, तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हमारा राजमा बन चुका है, देख सकते हैं आप, तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इस तरह से ट्राई करें, तो आप इसको चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।